सकती है ना कि किसी को भी सजा होती है, जेल होता है, तो उसके बाद उसको रिहाई होती है, तो उसको तो पूरी सजा हो ही गई। लेकिन उसमें जो था, और आप लोग एक बार जरा सा जान लीजिए, केंद्र सरकार ने जो नियम 16 में बनाया उसमें कोई भी आईएएस वाले का भी उस पर होने पर नहीं कुछ है। हम लोगों के यहाँ पहले से कुछ था, अब बाद में उसको खत्म कर दिया गया, तो उसको जब पूरा टाइम पूरा हुआ तो उसका हो गया खत्म। लेकिन अब अभी कोई कुछ है नहीं। देखिए हम लोगों की तरफ से, हम लोगों की तरफ जो किया गया, अरे भाई तो और कहीं का भी देख ना लीजिए, ये तो पूरे देश का ना पता करना चाहिए। आप किसी एक आदमी के बारे में क्यों सोचते हैं? कोई भी गरीब गुरबा तबका हो, किसी का भी हो, किसी का कोई मर्डर होता है तो उसको जो सजा मिलती है वो आजीवन, तो उसके बाद तो हो जाता है ना भाई 40 साल के बाद, ये सबका तो और बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर तो उसको 20 साल माना जाता है, उसको बीच बीच में ही जेल से ही होने लगता है कि भाई इतना हो गया इसका, अच्छा काम किया, तो वो एक अलग बात है। तो इसीलिए उस पर हम लोगों को नहीं कुछ कहना है। अब कोई कोर्ट में गया तो कोर्ट फैसला करे जो करना है। पटना में जो ओपोजिशन पार्टी का बयान कर रहे हैं उसमें अभी अलग से बात किया है। अरे आप चलिए, ये सब बात काहे के लिए सोच रहे हैं? जब होगा क्या होगा तब उस समय जानिएगा।